हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वास कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर आठ बीज पादपों में जनन। आठ बीज पादपों में जनन जो पहला चैप्टर है, इसके नोट्स कुछ मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं और ऑनलाइन क्लास से आपकी जो भी समस्या है वो यहाँ से हल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम आठ बीज पादपों में जनन किस प्रकार से होता है। पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीनियर में आपके 42 चैप्टर हैं, उनमें से 20 चैप्टर जूलॉजी के हैं और 22 चैप्टर बॉटनी के हैं। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आठ बीजी पादप क्या हैं और जनन क्या होता है, ये पादप जनन किस प्रकार से करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पादप वर्गीकरण की। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि आर.एच. वेल्टेकर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1969 में जितने भी पादप हैं सभी पादपों को पांच जगत में डिवाइड किया था। उन पांच जगत में से पहला जगत है शैवाल, जिनको हम एल्गी कहते हैं। दूसरा जगत है ब्रायोफाइटा, तीसरा जगत है टेरिडोफाइटा, चौथा जगत है अनाडबीजी, ये इनको जिम्नोस्पर्म भी कह रहे हैं। पांचवा जगत है आवर्तबीजी, इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ओके, ये पांच प्रकार के पादप पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, जिनमें से सबसे विकसित प्रकार के जो पादप हैं वो आवर्तबीजी पादप हैं। आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी में मुख्य अंतर ये होता है कि जो अनावर्तबीजी पादप हैं, अनावर्तबीजी पादप में बीज का निर्माण होता है परंतु इनमें फल का निर्माण नहीं होता है। फल जो होता है वो बीज के बाहर एक आवरण बनाता है, लेकिन फल यहाँ है नहीं, जो कि अंडाशय से बनता है। तो अंडाशय नहीं होने से फल नहीं बनता है और इसी कारण बीज जो है वो नग्न रहता है, इसलिए इनको अनावर्त बीजी या नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। जबकि आवर्त बीजी जो पादप है, ये हमारे चारों ओर जो क्लाइमेट है उसमें मैक्सिमम जो पादप आवर्त बीजी ही है, जिनमें पुष्प का निर्माण होता है, पुष्प से फल का निर्माण होता है। तो पुष्प का निर्माण होने से इनको एक अन्य नाम भी हम दे रहे हैं, पुष्पीय पादप इनको कहते हैं। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक ये रहेगा कि जो आवर्तबीजी पादप हैं या पुष्पीय पादप हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है। ऐसा है कि आवर्तबीजी पादप क्या है आपको समझ में आएगा। ऐसे पादप जिनमें पुष्प का निर्माण होता है और बीज जो है वो फल के अंदर विकसित होता है, परिवर्तित होता है, ऐसे पादप आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो आवर्तबीजी पादप है ये फलधारी पादप भी कहलाते हैं। फल का निर्माण इन्हीं पादपों के अंदर होता है। जितने भी फल हम खाते हैं वो आवर्तबीजी पादपों से हमें प्राप्त होते हैं। ओके, तो यहां हम स्टार्ट करते हैं आवर्तबीजी पादप में जनन। जनन को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो आवर्तबीजी पादप जो वो जनन किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जनन क्या है, जनन अर्थात रिप्रोडक्शन। तो जनन के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जनन सभी जीवों का, जितने भी सजीव पृथ्वी पर हैं उनमें एक विशेष लक्षण है, और जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव जो है वो अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। एक जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। ओके, अर्थात जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करेगा, नए जीव का विकास करेगा और अपनी जो स्पीसीज अर्थात प्रजाति जो है उसको अस्तित्व में बनाए रखता है। यदि जीव में जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो उस जीव के साथ ही उसका अस्तित्व भी पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई भी प्रजाति है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, अपना अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए
जन्म करती है। ओके, अब एक जीव जो अपने समान नए जीव का निर्माण करता है और वो जीव भी अब जन्म करने में सक्षम होता है, तो ये प्रक्रिया जो है किस प्रकार से होती है, एक जीव किस प्रकार से नए जीव का निर्माण करेगा, तो यहां हम बात करते हैं कि जीव जो है वो दो प्रकार से जन्म कर सकते हैं, अर्थात जनन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो जनन है नंबर एक अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन, ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसे कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार से जीवों में रिप्रोडक्शन होगा, जनन की क्रिया होगी। ओके, जो आर्टबीजी पादप हैं इनमें दोनों प्रकार से जनन संभव है, अलैंगिक जनन भी संभव है और लैंगिक जनन भी संभव है। आवर्तबीजी पादप में जो इनका जीवन काल जो होता है, जीवन काल में दो अवस्थाएं इनके अंदर होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो जीवन काल है उसमें एक पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। इनके जीवन काल में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, पहली अवस्था है वो होती है बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था इसको हम कह रहे हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज, बीजाणुविद अवस्था कह सकते हैं, बीजाणुविद पीढ़ी कह सकते हैं। दूसरा है यहां पर अगली अवस्था जो इनमें आती है जीवन काल में युग्मकोद्भिद अवस्था इसे कह सकते हैं हम गेमिटोफाइटिक स्टेज या युग्मकोद्भिद पीढ़ी कह सकते हैं। ओके, आवर्तबीजी पादपों में जो मुख्य अवस्था है, जब हम बात करते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था की, बीजाणुद्भिद अवस्था या इसको हम कह सकते हैं द्विगुणित अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था या द्विगुणित अवस्था भी इसको कह सकते हैं, शॉर्ट में 2N से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बीजाणुद्भिद अवस्था पादप की मुख्य अवस्था है, जो पादप हम आवर्तबीजी पादप हम देखते हैं तो उसकी बीजाणुद्भिद अवस्था हमें दिखाई देती है। ये बीजाणुद्भिद अवस्था पादप में जड़ तना तथा पर्ण, पादप के जो मुख्य ये तीन जो भाग हैं, ये तीन भाग बीजाणुद्भिद अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जड़ तना पत्तियां विकसित हो जाने बाद पादप में कायिक अवस्था पूरी हो जाती है और उसके बाद पादप जन्म करता है, तो जन्म के दौरान पादप में पुष्पीय अवस्था आती है और पुष्पीय अवस्था आने के पश्चात दूसरी अवस्था जो है युग्मकोद्भिद अवस्था प्रारंभ होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था प्रारंभ होगी। और इस अवस्था में क्या होता है कि पादप जो है वो युग्मक का निर्माण करता है, पादप किसका निर्माण करेगा, युग्मक का निर्माण करेगा। और युग्मक निर्माण, युग्मक के संदर्भ में बात बताना चाहूंगा कि नर और मादा युग्मक की हम यहां पर बात कर रहे हैं, नर और मादा युग्मक बनेंगे, उनमें निषेचन होगा, निषेचन से युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से अगली पीढ़ी का विकास होगा। या इन दोनों अवस्थाओं में एक मुख्य अंतर आप ये नोट कर सकते हैं कि ये जो बीजाणुविद अवस्था है इसको बीजाणुविद अवस्था इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें बीजाणु का निर्माण होता है, ये अवस्था बीजाणु का निर्माण करती है इसलिए इसको बीजाणुविद अवस्था कहते हैं। और इसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं इसलिए इसको 2N या द्विगुणित अवस्था कहते हैं। ये अवस्था जब पूर्ण हो जाएगी तो उसके पश्चात आएगी युग्मकोद्भिद अवस्था, इस अवस्था में युग्मकों का निर्माण होता है इसलिए इसे युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। ओके, तो यहां पर नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा, तो पहली जो पीढ़ी यहां पर है मुख्य पीढ़ी बीजाणुविद अवस्था है और इसके बाद युग्मकोद्भिद अवस्था आती है। युग्मकोद्भिद अवस्था में निषेचन होगा, लैंगिक जनन का कार्य होगा और उसके पश्चात अगली जो पीढ़ी आएगी
वो वापस बीजाणुविद अवस्था या बीजाणुविद पीढ़ी आती है। तो ये जो पीढ़ी एकांत में चलता रहता है, अर्थात बीजाणुविद अवस्था से युग्मकोद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था से बीजाणुविद अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं को हम एक चक्कर के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे ये मुख्य पादप की अवस्था है बीजाणुविद अवस्था, जिसको मैंने बताया कि इसको द्विगुणित अवस्था कहते हैं, तो 2n से इसको दर्शाया जाता है। तो बीजाणुविद अवस्था जिसमें जड़ तना पत्तियां बनते हैं, इनके बनने के पश्चात बीजाणुविद अवस्था में बीजाणुओं का निर्माण होता है। हमने पुष्प के बारे में 11th में पढ़ा था, और उसने पढ़ा था कि जो नर जननांग वो पुंकेसर होता है और मादा जननांग जो है वो स्त्रीकेसर होता है। तो पुंकेसर में परागकोष होते हैं, परागकोष में लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और जो स्त्रीकेसर जो है वो मादा जननांग का भाग है, उसमें अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर की तरफ गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो पुष्प का जब निर्माण हो जाएगा तो पुष्प में लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, और ये बीजाणु जो है अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर जो आपको दूसरी अवस्था बताई है युग्मकोद्भिद अवस्था, इसका निर्माण करते हैं। तो पहली अवस्था बीजाणुविद है, उसने बीजाणु बनाए, बीजाणु में क्या हुआ अंकुरण हुआ, जैसे परागकण जो वो अंकुरित होते हैं वो, और लघु बीजाणु जो है वही क्या है बाद में परागकण कहलाते हैं, और लघु बीजाणु के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद अवस्था का निर्माण होता है। और अंडाशय के अंदर जो है गुरु बीजाणु बनते हैं, और गुरु बीजाणु से फिर वहां पर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, और मादा युग्मकोद्भिद को हम भ्रूण कोष भी कहते हैं, एम्ब्रियो से भी कहा जाता है। तो ये युग्मकोद्भिद अवस्था जो है ये बन गई, इसमें जो कोशिकाएं जो होती हैं वो अगुणित होती हैं, एन से इसको हम लिखेंगे, अर्थात यहाँ जो कोशिकाएं थी उन कोशिकाओं में जो गुणसूत्र संख्या थी उन कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या की तुलना में युग्मकोद्भिद अवस्था में जो कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएगी, क्योंकि इन बीजाणु का जो निर्माण है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो ये बीजाणु भी कैसे होंगे यहाँ पर अगुणित होंगे। ओके आगे देखिए, अब ये युग्मकोद्भिद अवस्थाएं जो हैं, यदि नर युग्मकोद्भिद होता है तो वो नर युग्मक बनाता है, और मादा युग्मकोद्भिद होता है तो वो मादा युग्मक बनाता है, ठीक है। और एक निषेचन की प्रक्रिया हम पढ़ते आ रहे हैं, निषेचन में क्या होता है नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन होता है, तो यहाँ नर और मादा युग्मकों में क्या होगा निषेचन होगा, और निषेचन से युग्मनज का निर्माण होगा। ये यहाँ पर युग्मनज बन गया, जो कि एक द्विगुणित कोशिका होती है, क्योंकि नर युग्मक जो होता है वो अगुणित कोशिका है, मादा युग्मक भी अगुणित कोशिका है, और जब एन प्लस एन जब मिलेंगे तो क्या बनेगा 2n, तो युग्मनज हमेशा कैसा होगा 2n होगा। ओके और किसी भी पीढ़ी के लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पीढ़ी में जो प्रथम कोशिका है वो युग्मनज है, इस युग्मनज से ही किसी जीव का निर्माण होता है, विकास होगा आगे। अब युग्मनज से आगे फिर भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण से फिर बीजाणुविद का विकास होता है। ओके तो ये बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद अवस्था है, तो उसमें एक स्पष्ट पीढ़ी एकांत मिलेगा। बीजाणुविद अवस्था एक लंबी अवस्था होती है, इसको हम दीर्घजीवी अवस्था कह सकते हैं, मूल अवस्था किसी पादप की कह सकते हैं, और ये युग्मकोद्भिद अवस्था जो है ये कम समय के लिए होगी, अल्प समय के लिए होती है, अल्पजीवी अवस्था इसको कह सकते हैं। बीजाणुविद अवस्था पहले बनती है या मुख्य अवस्था पादप की बीजाणुविद होती है, और इसी से फिर युग्मकोद्भिद अवस्था बनती है, और ये युग्मकोद्भिद अवस्था बीजाणुविद अवस्था पर निर्भर करती है। ओके चलिए आगे चलते हैं, अब हम जनन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो जनन के प्रकार हमने दो लिए थे अभी, एक तो था अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो आवर्तबीजी पादप हैं, आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन, जनन के प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल इसको कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में, अलैंगिक जनन होता क्या है। तो यहां पर कुछ शब्द हैं, जैसे एक तो है युग्मक निर्माण,
एक आता है अर्धसूत्री विभाजन, और तीसरा शब्द आता है निषेचन। निषेचन को हम युग्मक संलयन भी कह सकते हैं। ओके, तो युग्मक निर्माण पहला शब्द है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा निषेचन। इन तीन शब्दों से हम लैंगिक और अलैंगिक जन दोनों की परिभाषा बना सकते हैं। ओके, सर्वप्रथम बात करें अलैंगिक जन के बारे में, तो युग्मक निर्माण, इसको हम युग्मक जनन भी कह सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, इसको संक्षिप्त में अर्धसूत्रण भी कहा जाता है, और निषेचन को हमने युग्मक संलयन कहा ही है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको सिनगेमी। ओके, तो एलिंगजन जो है जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मक निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं होता है। एक बार फिर से सुनना, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक निर्माण अर्थात युग्मक जनन, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन नहीं होता है, वह जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अर्थात जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक संलयन या निषेचन प्रक्रिया नहीं हो या अनुपस्थित हो, वह जनन क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, यहां ध्यान रखना, युग्मक का निर्माण भी नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है और निषेचन भी नहीं होता है। इन तीनों के बिना यदि जनन हो रहा है तो वो कौन सा होगा? अलैंगिक जनन होगा। ओके, और अलैंगिक जनन में ध्यान रखना कि जो अलैंगिक जनन है इसमें जो उत्पन्न संतति जो होती है, उत्पन्न संतति जो होगी वो जनक के समान होगी। उत्पन्न संतति कैसी होगी? जनक के समान। जिस प्रकार के लक्षण जनक जनक में दिखाई देंगे उसी प्रकार के लक्षण उसकी संतति में दिखाई देंगे। किसी प्रकार के संतति में नए लक्षण प्रकट नहीं होंगे। जैसे लक्षण माता पिता में होंगे, जनक पादप में होंगे, वैसे लक्षण संतति पादप में होंगे। ओके, तो ये अलैंगिक हो गया। यहां पर जनक के जो लक्षण है वो उत्पन्न संतति के समान होंगे, या संतति के लक्षण जनक के समान कह सकते हो। यहाँ पर कोई नया लक्षण प्रकट नहीं होगा। ठीक है, और अलैंगिक जो होता है इसमें उत्पन्न संतति जो है आपस में कैसी होती है? समान होती है, जनक की भी समान होती है, इसलिए उनको क्लोन भी कहा जाता है। उनको हम क्लोन भी कह सकते हैं क्योंकि सभी संतति हूबहू समान होती है, वो जनक की भी समान होती है। उनका जो डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ या गुणसूत्र जो भी होता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसा जनक में होगा वैसा उसकी अगली अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा, इसलिए कोई विभिन्नताएं या नए लक्षण वाले जीव प्रकट नहीं होंगे। तो आवृतबीजी पादपों में जो पहला जन है अलैंगिक जन हो गया, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन जैसी प्रक्रियाएं नहीं होंगी। अलैंगिक जन को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसे असंग जनन भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है इसका? असंग जनन या एपोमिक्सिस अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जन को अन्य नाम क्या दिया है? एपोमिक्सिस। ओके, चलिए, तो ये अपना आवृतबीजी पादपों में अलैंगिक जन परिभाषा हो गई कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, अलैंगिक जन कहलाता है, और इसमें उत्पन्न संतति जनक के समान होगी, और संततियां आपस में समान, उनको हम क्या कह सकते हैं? क्लोन कह सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं जो अलैंगिक जनन है इसके प्रकार भी हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहां पर जो अलैंगिक जनन है इसको भी हम दो प्रकार में पढ़ेंगे, दो प्रकार से होगा ये भी। पहला प्रकार इसमें है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, और दूसरा इसमें है कायिक परिवर्धन कह सकते हो या